अब हम लोग हो चुके हैं तैयार और अब हम निकल रहे हैं अपने एयरपोर्ट के लिए जो कि श्रीनगर एयरपोर्ट। तो चलिए अब वहां पे के लिए चलते हैं और रास्ते में मैं आपको पूरी वीडियो दिखाता जाऊंगा, थोड़ा बहुत मतलब दिखाता जाऊंगा और फिर हम सीधे एयरपोर्ट पे आपको मिलेंगे, ठीक है? तो चलो फ्रेंड्स, अगर आपको होटल से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में जाके चेक कर लीजिए। हम लोगों को टोटल लगभग 30 मिनट तक लग गए थे डल लेक से एयरपोर्ट तक जाने के लिए और जो हमारा ऑटो फेयर था वो था 400 रुपीस। बाकी फ्रेंड्स, जो आपका ऑटो रहता है, आप टैक्सी लेते हो या और वैन लेते हो, तो आप लोगों का वैन ही अंदर जा सकती है, आपका ऑटो और टैक्सी को अंदर जाना अलाउ नहीं होता है। तो अगर टैक्सी आप लोगों को चाहिए, मतलब वैन चाहिए अगर आप लोगों को, तो वहाँ जहाँ पे टैक्सी आपको उतारेगा ये ऐसी कुछ वैन आपको मिल जाएगी, उस वैन पे आपको 50 से 100 रुपीस चार्ज करेगा, फिर आप लोग अंदर चले जाना क्योंकि उसके भी अंदर जाना रहता है, तो वो आपको अंदर ले जाएगा 50 से 100 रुपीस में। जितने भी लोग हो आप लोग, वो आपको ले जाएगा एयरपोर्ट के अंदर और फिर वहाँ पे आप लोग अपना वेब चेक इन या चेक इन जो भी आपको करवाना है वो सब करवाओ और फिर आप लोग आ जाओ फ्लाइट पे। फ्लाइट के अंदर का व्यू काफ़ी अच्छा है, फ्लाइट के अंदर विस्तारा एयरलाइंस में वो ट्रेवल कर रहे हैं और ये फ्लाइट से बाहर का हम आपको थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं। ये व्यू है जहाँ हमने गो एयर की लाइन खड़ी है। अब ये टेक ऑफ की थोड़ी सी एक छोटी सी क्लिप है जो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बादल तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं। यहाँ airasia.com, गो एयर, स्पाइस जेट भी खड़े हुए हैं। ये है हमारे प्लेन का टॉयलेट जहाँ पे टिश्यू टॉयलेट पेपर सब कुछ मतलब जो जो होना चाहिए। बाकी ये जो एयर फैन है, स्पीकर है, ये सब भी है, लेकिन ये टॉयलेट में बिल्कुल भी स्पेस नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा छोटा सा था। यहाँ पे जेट स्प्रे भी नहीं है पानी से हाथ धोने के लिए। चलो आप व्यू पे कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। व्यू अपना ये है और इस व्यू को देखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कमेंट जल्दी से कर दीजिए। और बाकी ये व्यू इतना ज़्यादा ऑसम था, मज़ा ही आ गया। एक मिलियन डॉलर व्यू है, लिटरली ये मिलियन डॉलर व्यू है क्योंकि आप लोग देख सकते हो ये व्यू मिल ही नहीं सकता। हम लोगों का जो फ्लाइट था, हम लोगों को वो सबसे चीप प्राइस में मिल गया था जो कि अंडर 3000 में हम लोगों को पड़ गया था और ये पैसा पूरा वसूल हो गया जो कि देख ही सकते हो। और व्यू की कोई कमी ही नहीं पड़ी, मेरे पास शब्द नहीं है, इतने अच्छे अच्छे व्यू थे। आगे मज़े ही आ गया व्यू देख के और आप लोग भी इन्जॉय करो इस गाने के साथ। तो अगर आप भी चाहते हो आप भी ऐसा व्यू देख पाओ और आप भी इसी फ्लाइट से ट्रेवल कर रहे हो, तो आप लोग मैं प्रेफर करूँगा आप लोग राइट साइड बैठो और ज़्यादातर पीछे की सीट का ट्राई करो, आपको मिल जाए क्योंकि उससे सबसे अच्छा व्यू दिखता है। आपको विंग्स भी दिख जाएंगी जो आप लोगों को मेन देखने होंगे और व्यू भी दिख जाएगा, ऐसा ही व्यू। आप लोग कभी भी जाओ तो ऐसे ही करना और बाकी वीडियो को एंजॉय करो, व्यू को देखो इस गाने के साथ।